मैं कांग्रेस के और उनके इकोसिस्टम का भी बहुत आभारी हूं को उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के हो हल्ला मचाए रखा हुआ है। अगर ये विरोध नहीं करते, ये इतना हो हल्ला नहीं करते तो शायद उनका असली रूप देश को पता ही नहीं चलता। ये इनका देश ने देख लिया है कि दल के लिए कौन है और देश के लिए कौन है। और मैं चाहता हूं जब चर्चा निकल पड़ी है तो बात दूर तक चली जाए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा किसी की भी हो सकती है और उसमें कुछ बुरा भी नहीं, लेकिन किसी को प्रधानमंत्री बनना था इसलिए हिंदुस्तान के ऊपर एक लकीर खींची गई और देश का बंटवारा कर दिया। बंटवारे के बाद जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जोर जबरदस्ती हुई, उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। मैं कांग्रेस के साथियों से जरा पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी भूपेंद्र कुमार दत्ता का नाम सुना है? दादा आप कांग्रेस में चले गए? अरे ममता दीदी बस्तर जुड़ रही है। कांग्रेस के लिए जानना बहुत जरूरी है और जो यहां नहीं है उनको भी जानना जरूरी है। भूपेंद्र कुमार दत्त एक समय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में थे, उसके सदस्य थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 23 साल उन्होंने जेल में बिताए थे। वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने न्याय के लिए 78 दिन 78 डे जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी और यह भी उनके नाम एक रिकॉर्ड है। विभाजन के बाद भूपेंद्र कुमार दत्त पाकिस्तान में ही रुक गए थे। वहां की संविधान सभा के वे सदस्य भी थे। जब संविधान का काम चल ही रहा था, अभी तो संविधान का काम चल ही रहा था, शुरुआत के दिन थे, और उस समय भूपेंद्र कुमार दत्त ने उसी संविधान सभा में जो कहा था उसे आज मैं दोहराना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग हम पे आरोप मढ़ रहे हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। भूपेंद्र कुमार दत्त ने कहा था, सो फार एज दिस साइड ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न द माइनॉरिटीज आर प्रैक्टिकली लिक्विडेटेड। Those of us who are here to live represent near a core of people still left in East Bengal, live under a total sense of frustration. ये भूपेंद्र कुमार दत्त ने बंटवारे के तुरंत बाद वहां की संविधान सभा में यह दर्द व्यक्त किया था। ये हालत थी स्वतंत्रता के शुरुआत के दिनों से ही अल्पसंख्यकों की, वहां के अल्पसंख्यकों की। इसके बाद पाकिस्तान में स्थिति इतनी खराब हो गई
कि भूपेंद्र दत्त को भारत आकर के शरण लेनी पड़ी और बाद में उनका निधन भी ये मां भारती की गोद में हुआ।